हरियाणा में पिछले एक घंटे से वोटिंग जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में मतदान किया है, अपना वोट डाला है। मनोहर लाल खट्टर सुबह सुबह उन्होंने वोट किया, मनु भाकर ने भी वोट डाला। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम दिन है। 2 करोड़ मतदाता हैं राज्य में और आज एक बड़ी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी जब वोटर्स निकलेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने वोट डाला है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर करनाल में वोट डालने पहुंचे। सुमंत हमारे साथ इस वक्त सिरसा से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, 1 घंटा हो चुका है वोटिंग को। सुमंत तस्वीरें दिखाइए, क्या वोटर्स वहां पर आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं सिरसा के सबसे हाई प्रोफाइल बूथ बाल भवन पे मौजूद हूँ और ये देखिए तस्वीरें, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि चौटाला परिवार यानी दुष्यंत चौटाला अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, पिता अजय चौटाला और मां नैना चौटाला के साथ मतदान करने के लिए पहुँच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए। इसके अलावा मैं बात करूँ चौटाला परिवार के ही रंजीत चौटाला, जो पिछली सरकार में बिजली मंत्री थे और इस बार भी रानिया से उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ मतदान के लिए आएंगे। और आप ये देखिए दुष्यंत चौटाला का काफिला यहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंच चुका है बाल भवन में। ये देखिए खुद दुष्यंत ड्राइव करके पहुंचे हैं और दुष्यंत के साथ अगर देखिए तो उनके पिता जो हैं अजय चौटाला भी गाड़ी में मौजूद हैं, उनके परिवार के अन्य लोग भी हैं और अब वो पूरे परिवार के साथ मतदान करेंगे। निधि मैं बता दूं कि दुष्यंत चौटाला एक बार फिर अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके छोटे भाई देखिए दुष्यंत कुछ कह रहे हैं। दुष्यंत क्या कहेंगे? मैं तो सभी से आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आप 5 साल के लिए अपना भविष्य तय करेंगे, आप सब जाकर बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, ये पोलिंग ही आपका भविष्य तय करने का काम करेगी, हरियाणा का भविष्य बनाएगी। हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है दुष्यंत, बिल्कुल हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला है और जिस तरह की परिस्थिति है, मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जो रीजनल ताकतें हैं वो असलियत में ओरिजिनल ताकतें बनी। बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें निधि कि दुष्यंत चौटाला पोलिंग बूथ के भीतर जा रहे हैं। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जो रीजनल ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय ताकत है, वो ओरिजिनल ताकत है और इस बार हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और अब पूरे परिवार के साथ दुष्यंत चौटाला मतदान के लिए बाल भवन पोलिंग बूथ पर जा चुके हैं। खुद भी उचाना से उम्मीदवार है, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों भाई चुनावी मैदान में अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से। इसके अलावा मैं बात करूं सिरसा की, बात करें निधि, सिरसा भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट हाई में प्रोफाइल से हो गया है, क्योंकि सुमंत आप नजर बना रखे, लौटेंगे आपके पास। देखिए आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुलाना से हैं, वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। जुलाना में 1 घंटा हो गया है मतदान की क्या स्थिति है, कुछ तस्वीरें भी दिखाई आनंद। जी देखिए तस्वीरें आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए, ये पोलिंग सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो वोटर्स हैं अपने अपने हाथों पे जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और हमको लाइन दिखाएं तो पोलिंग सेंटर के बाहर तक जो मतदाताओं की जो कतार है वो बाहर तक जा रही, इससे पता चलता है कि इस सीट को लेकर यहाँ पर इस बार कितनी ज़्यादा लोगों में उत्साह है इस बार वोट को लेके, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, यहाँ पे हर वर्ग के जो मतदाता है भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे आ रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जिंद जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें जुलाना इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने ओलंपियन विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है और पिछले 1-1.5 साल से विनेश फोगाट के साथ जो जो हुआ उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने वोट मांगा था और उनको उम्मीद है कि इस बार उनको सहानुभूति का वोट मिलेगा भी। और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हर बड़े नेता यहाँ पर आकर उनके लिए वोट मांग चुका है, तो ऐसे में जुलाना के लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार उनकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की, यहाँ की कई समस्याएं हैं, यहाँ बारिश होती है तो शहर में यहाँ पानी भर जाता है, इसके अलावा यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग जो है अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है? मुद्दे यहाँ विकास तो किसी चीज़ का होया ही नहीं जी, रोड टूटे हुए हैं, पानी की भी समस्या है और न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और व्यापारियों को धमकी दी जाती है बार बार। अभी भी 1 महीना पहले भी 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी
प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इस बार तो हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, बड़े बड़े लोग यहाँ चुनाव मैदान में, बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार के लिए आए, इस बार कुछ उम्मीद है कि बदलेगी किस्मत? बदलनी चाहिए जी, हम तो चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए जरूरी। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं? यहाँ पे दूर जाना पड़ता है? नहीं, दूर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। कहाँ जाते हैं? रोहतक जाता हूँ जी। रोहतक जाओ, बाहर ही जाते हैं तकरीबन लोग सभी बाहर। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, वोट देने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में, क्या सोच के वोट डालने के लिए आए जी? आप बीजेपी की देंगे जी, आप बताइए। तो जुलाना एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, आनंद बातचीत कर रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है।